What's up guys? आज हम देखेंगे पाकिस्तानी स्टेडियम में बाथरूम नहीं और इनको कश्मीर चाहिए। ले मेजर गौरव आर्य सर आज है फुल रोस्टिंग के मूड में, मुझे लगता है ले भैया आज सही क्लास लगने वाली है और इनको कश्मीर चाहिए, बाथरूम स्टेडियम में नहीं है। ओ वाह, 1 2 3 गो। जय दोस्तों, मैं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों मोहसिन नकवी हैं, मोहसिन नकवी भाई हेड करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट। ये देखिए बड़ी मजेदार खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है भैया ये, ठीक है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, ये पहुंचे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। इन्होंने बोला बाथरूम ही नहीं है वहां पे, मैं आपको लिखा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो कहता भाई यहाँ पे बाथरूम नहीं है, कह रहा है हमारे स्टेडियम इतने खराब हैं कि ना इसमें बाथरूम है, ना इसमें बैठने की जगह है, ठीक है जी, और ना इसमें व्यूइंग एंगल ठीक है। ऐसा लगता है कि आप आधे किलोमीटर से देख रहे हो, 500 मीटर से देख रहे हो। खुद पीसीबी का चेयरमैन बोल रहा, यार एक बात बताओ, मैं एक पाकिस्तानियों से बात पूछ, आप किस मुंह से कह रहे हो कि दुनिया आए और पाकिस्तान में क्रिकेट खेले, आप किस मुंह से कह रहे हो? अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच हुआ, पता लगा कि इन लोगों ने बोला है कि वहां पे कोई स्पेक्टेटर देखने वाले अलाउड नहीं है, वो खुद ही आपस में खेल रहे हैं, वो बल्ला घुमा रहा है, वो बॉलिंग कर रहा है, वो फील्डिंग कर रहा है, वो हांफ रहा है, उसके पसीने आ रहा है, अच्छा देखने वाला कोई भी नहीं है वहां पे। चलो भैया टीवी पे देखो, कैमरा लगा दिया, इनके शहरों में मैच हो रहा है, नोबडी इज गोइंग देयर टू वॉच बिकॉज दे हैव सेड यू कांट वॉच, आप नहीं देख सकते भाई। ये तो उन्होंने बोला हुआ है ना, पता है ना, कोई आता नहीं है देखने। दूसरी चीज, बांग्लादेश की टीम है, वो कंप्लेन कर रही है कि साहब हमारे होटल में इंटरनेट नहीं चल रहा, क्योंकि भाइयों ने इंटरनेट बंद कर रखा है, क्योंकि इनको लग रहा है पकड़ पाकिस्तान में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबका इंटरनेट बंद कर दिया। बांग्लादेश की टीम बोल रही है, वो कह रहा है कि भाई हम अपने माँ बाप बीवी बच्चों से बात नहीं कर सकते, इंटरनेशनल कॉल वैसे तो नहीं करेगा, ही कॉल ऑन या व्हाट्सएप या किसी और सिस्टम से वो कॉल करेगा, जो भी उसका है, मना कर रहे हैं भाई। वेल डन, देश बदल रहा है, मना कर रहे, नहीं खोलेंगे इंटरनेट, वो कह रहा धीरे धीरे 2G चल रहा है यहाँ पे, बांग्लादेश में उनको 4G की आदत है, तो कह रहा 2G चलेगा तुम्हारा, धीरे धीरे कॉल आ रहा है, ड्रॉप हो रहा है, कॉल आ रहा है, देयर फेसिंग अ प्रॉब्लम। अच्छा ये जो पूरी बात है ना कि बाथरूम नहीं है वहां पे, अब देखो आप सोचो, माना कि इंडियन टीम चली गई, मैं कह रहा हूँ लाहौर चली गई, ये गद्दाफी स्टेडियम की बात कर रहा हूँ, लाहौर की बात कर रहा है, इंडियन टीम पहुंच जाती है लाहौर, और लाहौर पहुंचने के बाद वहां पे रोहित शर्मा है, बुमराह है, कोहली है, अर्शदीप है, अपनी पूरी लाइनअप है और मैच चल रहा है, बीच में कोहली कहता है कि मुझे बाथरूम जाना, ये रोहित शर्मा कहता है जी मुझे बाथरूम जाना, जाहिर सी बात है, तो होटल लेके जाएंगे, इट्स अ नेचुरल कॉल, इट्स अ कॉल ऑफ नेचर, तो बोला बाथरूम जाना, तो नेचर में ही जाओ, देखो पान की दुकान से लेफ्ट जाके पेड़ है, हाउ इज पॉसिबल यार, आप इंटरनेशनल मैचेस, दो बंदे बैठे भाई, इनके तो प्रेसिडेंट भी गजब ही है, दो बंदे बैठे हैं मैच देख रहे हैं भाई, डिफिकल्ट एंगल से देख रहा हूं, ऐसे देख रहा मैच, किसने बोला ना एंगल खराब है, दो बंदे मैच देख रहे हैं, अब सोचो दो बंदे मैच, एक कोई बाथरूम, स्पेक्टेटर है ये, मैं प्लेयर की बात नहीं कर रहा, वो कोहली बुमराह उनको छोड़ो, दो बंदे हैं, दो पाकिस्तानी है मैच देख रहे हैं, वो कह रहा भाई मुझे बाथरूम आ रही, कह रहा है यहाँ पर बाथरूम नहीं, रुक जा अभी 4 ओवर बाकी है, कह रहा भाई मुझे बाथरूम जाना है, सुपर ओवर चल रहा है, रुक 3 ओवर बाकी है, वो कह रहा भाई बाथरूम जाना है मुझे, कह रहा है रोक अभी 1 ओवर बाकी है, रोक नहीं जा सकते, कह रहा है भाई मुझे अब तो बाथरूम जाना ही जाना है, इमरजेंसी है, कह रहे हैं 2 बॉले हैं, रुक, और फिर वो कहता है सुन उधर जा, अब चले जा, मैच हो गया, वो कहता भाई मेरा भी हो गया, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं बैठे। इन पाकिस्तानियों को बड़ा दुख है कि इंडिया मना कर रहा है, सिक्योरिटी वक्योरिटी छोड़ दो यार, सिक्योरिटी कंसर्न को मारो गोली, आप ये देखो कि इंडिया की टीम वहां पे, मैं और किसी टीम की बात क्यों करूं यार, मेरा क्या लेना देना और किसी टीम, इंडिया की टीम जा रही है, इंडिया की टीम के लिए टॉयलेट नहीं वहां पे, मैं तो अपनी टीम की बात करूंगा, आप एक बार स्टेडियम के अंदर घुस गए, आप रोके रहो भाई, 6 घंटे मैच चलेगा, 6 घंटे रोके रहो, प्रेशर सिचुएशन, मैच में प्रेशर हो रहा हो, ये प्रेशर, कहते हैं कि हमें मार डालेंगे, जावेद मीरदाद कहता है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, वो ऐसी ऐसी डोज दे देता है इनको, वो कहता है तुम बाथरूम नहीं कर सकते, वो कहता है तुम मर जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, बम फूट जाएगा, ये तो जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, वो कहता है तुम रोक के रखो, इसीलिए डॉक्टर नहीं बनते, इनको दुनिया भर की प्रॉब्लम है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, पाकिस्तान में अब लोग कहेंगे साहब आप पाकिस्तान बैशिंग कर रहे हैं, देखो स्टार्टअप, इंडिया से खबर आई है कि 1 हफ्ते के अंदर 20 डील हुई हैं और $395 मिलियन का फंडिंग आई है स्टार्टअप के लिए,
एक हफ्ते के अंदर ओनली सेवन डेज में फाइव डेज मानो यार दो दिन तो वीकेंड होता है सैटरडे संडे इंडिया के नहीं तो स्टार्टअप 395 मिलियन डॉलर्स इंडिया 20 डील हुई हैं स्टार्टअप शुरू हुए हैं इंडिया में जो कि एक हफ्ते में वो कह रहे हैं कि एंजल टैक्स एक यूनियन बजट में जो पहले लेते थे वो हटा दिया अबॉलिश कर दिया सरकार ने बोला कि हम टैक्स लेंगे ही नहीं तो अचानक जंप हुआ और इंडियन स्टार्टअप्स ने पैसा रेज करना शुरू करा जुलाई के महीने में अभी तो अगस्त चल ही रहा है तो ये डेटा जुलाई का है जुलाई के महीने में 1.03 बिलियन मिला और सिर्फ एक हफ्ते में ये था 395 मिलियन यूएस डॉलर इंडिया में वहां पर पाकिस्तान से खबर है कि साहब फैसलाबाद में 100 फैक्ट्रियां बंद हो गई वहां पर बंद हो गई तो मैं बोल रही थी मेरे को लगा कि वहां तो कोई नहीं सकता .pk ये पाकिस्तानी अखबार से मैं उठा के खबर आपके सामने ला रहा हूं ये पाकिस्तानी न्यूज़पेपर कह रहा है कि 100 फैक्ट्रियां इंक्रीज्ड एनर्जी टैरिफ इन्होंने रेट इतने बढ़ा दिए पर यूनिट कॉस्ट इतनी बढ़ा दी कमर्शियल कि फैक्ट्री वालों ने ताला लगा दिया कह रहा भाई साहब या तो हम पाएगा सामान बना लें या हम तनख्वाही दे दें या हम बिजली का बिल दे दें ये तीनों काम नहीं कर पाएंगे इसमें आप चूज एंड पिक कर लो कि क्या करना है सरकार ने बोला देखो बिजली का बिल तो तुम्हें देना पड़ेगा उन्होंने बोला ठीक है फिर थैंक यू सब लोगों को करो फारिग 100 फैक्ट्रियां बंद हो गई ये पाकिस्तान है जिसमें से ये खबर आनी चाहिए थी कि साहब 100 नई फैक्ट्रियां खुल गई हैं इस महीने में ओनली इन वन मंथ पाकिस्तान में 100 नई फैक्ट्रियां खुल गई उल्टा खबर आ रही है कि 100 बंद हो गई राइट 100 फैक्ट्रियां बंद हो गई अब आप समझ लो 100 फैक्ट्रियों में कितने हजार टोटल की बात कर रहा हूं पाकिस्तान में नॉर्मली फैक्ट्रीज बड़ी छोटी छोटी होती हैं स्मॉल स्केल टाइप की इनके यहाँ बड़ी फैक्ट्रियां नहीं होती जैसे इंडिया में होती है पाकिस्तान वेरी स्मॉल स्मॉल फैक्ट्रीज चार कमरों की एक फैक्ट्री है छोटी सी मशीन लगी है दो तीन लोग आ रहे हैं वहां पे काम कर रहे हैं उस टाइप की फैक्ट्रीज अब टोटल अगर मैं 100 फैक्ट्री बताऊंगा तो 100 फैक्ट्रियों में यार हजारों लोग तो होंगे कम से कम हम मान के चलते हैं कि 100 फैक्ट्रियों में हजार लोग तो होंगे अब हजारों लोग इनके अचानक बेरोजगार हो गए बिकॉज फैक्ट्रियां इनकी हो गई हैं बंद हो गई भैया और क्लोजर्स हैव लेफ्ट बिटवीन ओ भाई साहब जी इसमें तो सारी डिटेल दे रखी है मैंने तो देखा ही नहीं था ये 1.5 लाख से लेकर 2 लाख मैं कह रहा हूं कुछ हजार नहीं 1.5 लाख से 2 लाख वर्कर अनएम्प्लॉयड हो गए फैसलाबाद सिर्फ फैसलाबाद में क्योंकि सरकार ने इतना ज्यादा पैसा पैसा कैसे कमाना है ऐसे जो यूनिट रेट होती है ना बिजली की वो भाई इतनी ज्यादा कर दी IMF के कहने पे क्योंकि खुद के कर्म ऐसे IMF की बेचारा क्या करे इनके खुद के कर्म ऐसे इन्होंने रेट बढ़ा दिया यहां पे पाकिस्तानियों को ये नजर नहीं आ रहा कि अगर कोहली आएगा तो जाएगा कहां ठीक है अर्शदीप है कोहली है यू नो अपना रोहित शर्मा है ये होटल भेजेंगे बार बार और कितने कितने लोग हैं ये जब आएंगे तो जाएंगे कहां बाकी भी तो होते हैं उनके साथ उनके जाने की कोई जगह नहीं है लेकिन इनके दिल में फिलिस्तीन है देखो प्रॉब्लम पाकिस्तानियों के साथ ये है कि इनके बेसिक्स गड़बड़ हैं बेसिक्स लेकिन जो इनका हौसला है वो फिलिस्तीन से कम में मानता नहीं है अपने आप को साइंटिस्ट समझते हैं लेकिन ये फिलिस्तीन से कम में ये लोग मानते नहीं है कश्मीर तो बगल में है ना इनके ज्यादा दूर है नहीं इनके कश्मीर तो कश्मीर से इनका जोश और वलवला ऐसे उठता है और वो जाके गिरता है सीधा फिलिस्तीन में स्टेडियम में बाथरूम बना लेते चला जाता बेचारा कोहली भी कोई भी हो यार एनी प्लेयर वाई ओनली कोहली बहुत गंभीर समस्या है चला जाता नहीं अच्छा फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को बोला दिस इज व्हाट इज रॉन्ग इन पाकिस्तान फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि दे विल मेक वर्ल्ड क्लास यार तुम क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो ये फौजी कंपनी है तुमने फौजी कंपनी को ठेका दे दिया तभी तुम्हारी फौज का इतना बेड़ा गर्क है वो काम धंधों में लगी हुई है यार वो बिजनेस में लगी हुई है मैं बोल रहा हूं इनका जनरल आसिम मुनीर गल्ले पे बैठा है जनरल आसिम मुनीर कैश बॉक्स के ऊपर बैठा है भाई अब ये देखो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी इट इज फंडेड बाय द पाकिस्तानी फोर्सेस इन्होंने एक फौजी कंपनी को ये एक तो फौज की कंपनी है क्यों मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा कि फौज की कंपनी का ये क्रिकेट स्टेडियम से क्या लेना देना है आई हैव नॉट अंडरस्टूड मे बी बिकॉज आई एम एन इंडियन मे बी हमारी फौज ऐसी चीजें नहीं करती है इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा मे बी राइट लेकिन यार पाकिस्तानियों तुम भी तो कुछ सोचो यार सोच ही नहीं पा रहा बेड़ा गर्क इसलिए क्योंकि अब तुम्हारी फौज क्रिकेट के स्टेडियम बनाएगी और मोहसिन नकवी कहता है कि वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाएगी इन लोगों ने पहले कौन से वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाया वो स्टेडियम जिसमें कोहली या रोहित शर्मा मैं फिर कोहली रोहित शर्मा पे आ गया लेकिन कोहली और रोहित शर्मा 10 बार सोचेंगे जाने से पहले और ये मोहसिन नकवी क्या बोलेगा रोहित भाई होटल में कर क्या यहाँ नहीं पूरा तो रोहित शर्मा बोलेगा होटल में भी नहीं
अभी भी यहाँ पे तो होटल में भी इंतजाम नहीं है, ठीक है। अब जब तक पाकिस्तान से फ्लाई आउट नहीं करेंगे तब तक कोई वहां पे निजात नहीं है परेशानी की। लिए इन्होंने हाल कर रखा, चाहिए इनको कश्मीर और फतेह करनी इनको फिलिस्तीन। अभी कह रहे हैं फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक फौजी कंपनी है उससे स्टेडियम बनाएगी। इसी फौज ने पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की टीम को ट्रेन करा था। ये देखो फोटो, हाथ ऊपर करके, क्यों हाथ ऊपर करके भाग रहे हैं पहाड़ के ऊपर? ये सरेंडर की मुद्रा है भाई, ये सरेंडर की मुद्रा है कि आप इस तरीके से सरेंडर कर रहे हैं। यूएसए से कुट के आ गए, क्योंकि इनकी ग्रेट पाक आर्मी जो कि नंबर वन आर्मी है दुनिया की, दुनिया की नंबर वन, और इनकी आर्मी चीफ ने बोला था, इनके आर्मी चीफ ने बोला था तुम सबसे हार जाओ इंडिया से मत हारना। एक्चुअली जनरल आसिम मुल्क ने बाबर आजम को बोला था तुम सबसे हार जाना बेटा, इंडिया से मत हारना। ये तो उनके आर्मी चीफ की अकल है, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ देयर आर्मी चीफ कि सबसे हार जाना। उन्होंने बाकी इंडिया से मत हारना ये नहीं सुना, सबसे हार जाना ये सुन के निपट गए वहां पे। और सबसे पहले निपटे अमेरिका से, यार हद हो गई। तो जिस फौज ने इनको ट्रेन करा और वर्ल्ड कप में निपटाया वही फौज एक स्टेडियम बनाएगी, पता नहीं क्या बनाएगी। अरे भैया गजब ही धोया कि अल्लाह ही मालिक है। सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ क्या है कि इनके बयान जहाँ जो भी आते ना सारे बिना सर पैर के आते। इसके प्रेसिडेंट ने सोचा कि मैं ऐसा बयान दूंगा कि और फंडिंग आएगी, पैसा मिला। इसको इनका भाई तरफ मजाक बन रहा है यहाँ पर अब। नहीं, एक मैंने एक वीडियो देखी थी और इनकी वहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो गुमराह कैसे करती है, कहता कि 25 पता नहीं 30 करोड़ लोग तो जो इंड भारत के हैं वो खुले में वो करते हैं, भारत में तो टॉयलेट, याद है हमने रिएक्ट भी किया था, पता नहीं कब से ही लगे हुए हैं, टॉयलेट भी नहीं है वहाँ के इतने करोड़। अरे तुम्हारे तो मेन स्टेडियम स्टेडियम में नहीं है, जो कि बाहर तो छोड़ो यार भाई साहब, सीधे जाके ना वहाँ एक पान की दुकान है, दुकान है पेड़ होगा भाई। अरे यार एक बार बताओ, तुम पैसा मांगना होता है लेकिन हर जगह ऐसे बयान दे कि तुम्हें हर जगह चंदा ऐसे नहीं मिलेगा, बेइज्जती नहीं करानी होती है। क्या होता है कि इंसान बोलता है भाई थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थोड़ा पैसा चाहिए, हमारे पास स्टेडियम है लेकिन हगने की जगह नहीं है, हमारे पास मैच देखने के लिए सीटें हैं लेकिन एंगल खराब है, इस स्टेडियम में बैठ के मैच देखोगे तो साइड का हॉकी वाला मैच दिख रहा होगा। भाई यार तुम क्या बातें कर रहे हो, ये इनके प्रेसिडेंट बन जाते हैं। फिर एक आया था वो जुल्फीन का रमेश राजा, जो जब प्रेसिडेंट था तो इंडिया के खिलाफ बोल रहा था, वर्ल्ड कप आया तो इंडिया वाले ने पैसे दिए कमेंट्री करने के लिए, तो भाई इधर भागा भागा आ गया। इनका ना सर ना पैर, इनको बस ये मौका चाहिए, पैसे कैसे भी मिल रहे हो चाहे पाकिस्तान की बेइज्जती करानी पड़ जाए इनको, ठीक है, लेकिन स्टैंड हमेशा हर चीज का लेंगे। और इनका सब चीज का नहीं, जो इनके बिरादर मुल्क है जो इन्हें पूछते भी नहीं उनका, सब खोखला है इनका, इनका दिखावा है इनका। जितने बड़े पोस्ट पर जो आदमी होगा ना उतना भाई साहब इनका गिरा हुआ है। ये चीज तो देख लिया आपने कि वो पैसा जहां मिल गया ना वहीं पर उसी रस्ते में, इज्जत नहीं है पूरी दुनिया इसके। उसने आर्मी वाले बोला होगा ऐसे ऐसे बयान दे दे तो आईसीसी को लगेगा पैसा नहीं है इनके पास। और जो ये है ना इंटरनेट बंद है, ये नहीं, ये बोले ना स्टेडियम में अलाउ नहीं करा टीवी पे देखो, वो इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि हमने पहले देखे इनके आता नहीं है स्टेडियम में मैच देखने, तो इन्हें लगा कि अब ये हो जाएगा कि लोग तो आना चाहते हैं लेकिन हम नहीं आने देना चाह रहे। गजब ही दोगलापन है। मिलते हैं कपड़े के साथ, बाय, टेक केयर।